नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ड्रॉप एंड अवेयरनेस में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मार्वल्स के बारे में। आप सभी को पता है कि आज मतलब कुछ 2 दिन पहले इस शुक्रवार को द मार्वल्स मूवी रिलीज़ हुई थी, और लगभग 5 से 6 दिन पहले एक ट्रेलर आया था उनका, मार्वल मूवीज़ का, मार्वल की तरफ से, सॉरी द मार्वल इस मूवी का मार्वल की तरफ से। तो असल में आज का वीडियो हम क्यों बना रहे हैं, तो देखिए इस ट्रेलर में एक बहुत ही बड़ी दिक्कत मुझे पर्सनली महसूस हुई, और मेरी असल में देखा जाए तो बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं इतने वक्त बाद इस वीडियो को बना रहा हूँ। असल में मुझे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पहले बना देना चाहिए था, क्योंकि इस ट्रेलर में सीधे सीधे तौर पे टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका की बेइज्जती हो चुकी है, ना सिर्फ उनकी बल्कि थैनोस की भी, अपने आप में जो रेपुटेशन बनाई गई थी उसकी भी धजियाँ उड़ा दी गई है। तो देखिए बात करते हैं थोड़ा सा इतिहास की। मार्वल जो असल में जो रेपुटेशन मार्वल को मिली वह मिली थी 2008 में आई मूवी आयरन मैन की वजह से। उसके बाद से लगातार मूवीज़ आती गई, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, ऐसे 3 फेजेस चले। कुल मिला के यह फेजेस 2008 से लेके 2020 तक चले, जब तक मार्वल की एक फाइनल मूवी एवेंजर्स एंड गेम नहीं आई। एवेंजर्स एंड गेम ने तहलका मचा दिया, फिल्म एक ब्लॉकबस्टर सुपर हिट हुई, लेकिन उस फिल्म के बाद क्या क्या हुआ उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस फिल्म के बाद सबसे पहले जो पर्दे के पीछे जो इंसान होता है, जिसने यह पूरा कारनामा किया, जिसने एक इतिहास रचने जैसा एक शानदार प्रदर्शन, शानदार प्रेजेंटेशन हमारे, हम सभी इंसानों के बीच रखा, मतलब कि यह इन सब के पीछे जो ये 2008 से लेकर 2020 तक मार्वल के फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, जिसे इन्फिनिटी सागा कहते हैं, यह पूरा चला, इसके पीछे जो इंसान था उसका नाम था स्टैन ली। तो एवेंजर्स एंड गेम के आने के बाद कुछ समय बाद जो स्टैन ली जी है वह असल ज़िंदगी में गुजर गए। इसके अलावा जो ब्लैक पैंथर के मेन लीड एक्टर थे उनकी भी कैंसर की वजह से मौत हो गई। इसके अलावा फिल्म में आयरन मैन के किरदार को मार दिया गया। इसके अलावा जो मेन किरदार था कैप्टन अमेरिका उसे भी ख़त्म कर दिया गया। अब फिल्म के बचे जो चुनिंदा किरदार थे वह थे थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज। अब होता यह है कि स्टैन ली जा चुके हैं, और इसके बाद कुछ समय बाद समझो थॉर लव एंड थंडर पिक्चर आती है, और उसके भी पहले एक मूवी आती है डॉक्टर स्ट्रेंज इंटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इस फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज के जो एक, इसके पहले 2016-17 में एक फिल्म आई थी डॉक्टर स्ट्रेंज नाम से, उसका सीक्वल बनाया गया था एवेंजर्स एंड गेम के बाद, जिस सीक्वल का नाम था डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो मूवी बनी थी, सुपर हीरोज़ की ऐसी चुनिंदा मूवीज़ हैं जिसमें केवल एक मूवी से ही उस किरदार ने, उस पर्सनैलिटी ने उस किरदार में जान डाल दी हो। तो जो जो एक्टर है, जो लीड एक्टर है डॉक्टर स्ट्रेंज के, उन्होंने इस किरदार को इतना बेहतरीन तरीके से निभाया कि वह किरदार मेरा पर्सनली आज तक फेवरेट बन चुका है। उस वह फिल्म इतनी शानदार, इतनी लाजवाब बनी थी कि अनबिलीवेबल टाइप पिक्चर है। आप ज़रूर उस फिल्म को देखिए, आप खुद ही तारीफ करेंगे कि इतनी शानदार फिल्म भला कोई कैसे बना सकता है। लेकिन जब एवेंजर्स एंड गेम के कुछ टाइम बाद, समझिए 1-1.5 साल बाद या 2 साल बाद पकड़ो जो भी, तो डॉक्टर स्ट्रेंज का सीक्वल बनाया गया डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। उस फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज के किरदार की जो रेपुटेशन बनाई गई थी उसकी धजियाँ उड़ा दी गई। बहुत ही बकवास, अव्वल दर्जे की फालतू पिक्चर मार्वल द्वारा प्रोड्यूस की गई। इसके अलावा थॉर लव एंड थंडर उसके बाद फिल्म आई थी, कुछ ही समय बाद पिक्चर आई थी। उस फिल्म में जो थॉर का किरदार था, जो रुतबा था थॉर का, उस पूरे थॉर के किरदार को सत्यानाश डिस्ट्रॉय करके बकवास तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, और देखा जाए तो पूरी एक बकवास दर्जे की फिल्म बनाई गई मार्वल्स के द्वारा। सीधे सीधे अगर मैं कहूँ तो मार्वल जो स्टैन ली या विरासत छोड़ के गए ना, उसे यह कंपनी संभाल ही नहीं पाई, और बाद में हमें समझ में आया कि यह मार्वल तो कभी था ही नहीं, असल में जो था वह था स्टैन ली। देखिए स्टैन ली एक मेन एडिटर थे, और एडिटर जो होता है, असल में शॉर्ट में बताऊं तो एडिटर वो होता है जो असल में तय करता है कि ऑडियंस क्या देखेगी। फिल्म बहुत ही लंबे समय में शूट की जाती है, और यह जो 2 घंटे की फिल्म होती है आई एम सॉरी मुझे सर्दी है, तो यह जो 2 घंटे की फिल्म होती है यह करीब करीब
काफ़ी ज़्यादा वक्त तक शूट की जाती है, लेकिन उस लंबे समय को काट पीट के 2 से 2.5 घंटे के 3 घंटे तक, या 2 से 3 घंटे तक में कंप्रेस किया जाता है। और यह जो कंप्रेसिंग का काम है यह करता है एडिटर। तो देखा जाए तो एडिटर का फैसला होता है कि आखिर ऑडियंस देखेगी क्या। तो मार्वल के जो इन्फिनिटी सागा थी, जो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 थे, जो आयरन मैन से शुरू होके एवेंजर्स एंड गेम पर ख़त्म होते हैं, तो उसके एडिटर थे स्टैनली। स्टैनली एवेंजर्स एंड गेम के बाद गुजर चुके थे। उसके बाद जो मेन किरदार थे ब्लैक पैंथर के, उनकी भी कैंसर की वजह से मौत हो गई। इसके अलावा आयरन मैन को मार दिया गया फिल्म में। और जो ये थे स्टीव रॉजर्स, मतलब कि हमारे कैप्टन अमेरिका, वह बूढ़े हो चुके थे। एक तरह से उनके किरदार को भी ख़त्म कर दिया गया। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था। जब इन्होंने एक किरदार को सत्यानाश कर दिया, जब देखा जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जो फिल्म इन्होंने लॉन्च की, इसमें एक बने बनाए किरदार की रेपुटेशन को बर्बाद करके रख दिया इन मार्वल वालों ने। इसके बाद जब थॉर लव एंड थंडर आया, तो फिल्म जैसे कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, जस्ट उसका अपोजिट कर दो कि बकवास पे रद्द, ऐसी ऐसी फिल्म बना के इन्होंने पूरे जो थॉर के पिछले पार्ट्स थे, थॉर हुआ या फिर द डार्क वर्ल्ड हुआ या थॉर रंगनारॉक हुआ, पिछली थॉर की जो 3 शानदार फिल्में बनाई गई थी, उस उन तीनों फिल्म की एक तरह से शॉर्ट में बेइज्जती कर दी इन मार्वल वालों में, मार्वल वालों ने थॉर लव एंड थंडर बना के, क्योंकि फिल्म अव्वल दर्जे की बकवास फिल्म है, ना कोई स्टोरी ढंग की, ना कुछ ना कुछ। उसके बाद फिल्म आती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। इसको IMDb की हाई रेटिंग दी गई, लेकिन मैं अगर पर्सनल अपना ओपिनियन दूँ तो मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी इसको रेट किया था, मेरे हिसाब से फिल्म 2 स्टार की रेटिंग डिज़र्व करती है। 5 में से 2 स्टार, केवल केवल 2 स्टार, अगर 10 में से देखा जाए तो 4 स्टार, क्योंकि फिल्म में ऐसा कुछ है ही नहीं। फिल्म को इंडिविजुअल बेस पे कंसिडर किया जाए तो वह एक अच्छी फिल्म बनी थी, लेकिन फिर भी देखा जाए तो स्टैनली की जो विरासत दी गई थी, जैसा मैं कह रहा था, इतनी बड़ी जो शानदार मास्टरपीस देख के गए स्टैनली, उसे यह मार्वल वाले संभाल नहीं पाए। सही सही जो एक फैसला था ना, वह क्या होना चाहिए था कि जब स्टैनली चले गए, उसके बाद यह सारा प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए था। और जो उनके प्रोड्यूसर है केविन फीजी, उनका एक उनको ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए थी, और उन्होंने एक नई कंपनी शुरुआत करनी थी नए सुपर हीरोज़ के साथ। अब यहाँ पे मल्टीवर्स सागा चल रहा है, और यह जो मल्टीवर्स सागा है, इसको संभालने के लिए उस दर्जे का इंसान होना ज़रूरी है जो इस पूरे मल्टीवर्स सागा को अच्छे से बना सके, स्टोरी लाइन लिख सके और एडिट कर सके। ये सारे हुनर, ये सारी काबिलियत स्टैनली में थी। आज तक उस उनके जाने के बाद जितनी भी मार्वल की मूवीज़ रिलीज़ हुई, मुझे पर्सनली नहीं पसंद है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो आपको यह सब बता रहे हैं, लेकिन हमारे यह वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है? तो हमारे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है कि जो अभी मूवी आई है द मार्वल, इस मूवी में मैं डेफिनेटली यह कह सकता हूँ कि जो एवेंजर्स एंड गेम में, जब एवेंजर्स एंड गेम में एक लास्ट का सीन था जिसमें जो कैप्टन मार्वल है वह थैनोस की शिप को एकदम से आसमान से आती है और शिप को फोड़ डालती है नीचे से ऊपर तक, ख़त्म कर देती है शिप को एक ही पल भर में, तो उस सीन से, और देखा जाए तो उस फिल्म में जितने भी किरदार थे सब के सब अमर किरदार हैं, सब के सब शानदार लेवल के किरदार हैं। और अब इस शानदार किरदार को भी मार्वल ने द मार्वल्स मूवी बना के, जो हाल फिलहाल रिलीज़ हुई है, उसे बर्बाद करके रखा है। मैंने पर्सनली फिल्म नहीं देखी, लेकिन मैंने रिसेंटली रेटिंग्स चेक की, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फिल्म अव्वल दर्जे की बकवास फिल्म होने वाली है, और मैं पर्सनली ये फिल्म देखने भी नहीं जाने वाला हूँ। क्यों नहीं जाऊँगा? और इस वीडियो को बनाने का जो एक जो सेंस है, जो असल में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे वीडियो के बनाने का उद्देश्य तो यह है कि मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि आखिर इस फिल्म को आप क्यों ना देखने जाएँ, फिर भले ही आप क्यों ना मार्वल के बड़े से बड़े फ़ैन हो। देखिए, अगर आप मार्वल के डीप फैन हैं तो अभी तक तो आप कब के रियलाइज़ कर चुके होते थे कि मार्वल का पूरा कबाड़ा चालू है और मार्वल के पूरे स्टेक्स नीचे गिर रहे हैं। मार्वल अब जितनी जो पीक पे थी उसकी पूरी धजियाँ उड़ी हुई है, और देखा जाए तो यह जो पूरी धजियाँ उड़ी मार्वल की, इस पूरी यह जो डिक्रीजिंग
इनका जो चार्ट्स है, जब से इनके जो वैल्यू है, जब से इनकी नीचे गिरनी लगी, इस नीचे गिरती हुई वैल्यू ने ही हमें रियलाइज़ करवाया कि असल में मार्वल तो कभी था ही नहीं, जो था वो स्टैनली था। इस टॉपिक के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, ज़रूर आप देखिएगा, उसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्यों मार्वल तो कभी था ही नहीं, जो भी था स्टैनली था, और जो कुछ भी किया स्टैनली के द्वारा किया गया। और हम इस टॉपिक के ऊपर आगे एक और वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हम यह बताएंगे कि आखिर क्यों स्टैनली की वजह से ये सारी फिल्में हिट हुई, और किस तरह यह पूरा उनका, जैसे कि हम कहते हैं, भाग्य काम किया। तो इस बारे में हम कभी और बात करेंगे, यह थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। हालांकि हम वापस हमारे वीडियो पे आते हैं, तो देखिए इस वीडियो को बनाने की शुरुआत क्यों हुई और क्यों मेरे मन में आया कि मैं इस वीडियो को बनाऊं। सबसे पहले तो जब यह फिल्म लॉन्च हुई ना, हालांकि 2 से 3 दिन पहले ही लॉन्च हुई है यह फिल्म, शुक्रवार के दिन, उससे पहले मतलब कि आज से करीब करीब 1 हफ्ता पहले एक ट्रेलर लॉन्च किया गया था। जब भी हॉलीवुड में कोई फिल्म आती है तो एक टीज़र लॉन्च किया जाता है, फिर एक ट्रेलर लॉन्च किया जाता है, फिर दूसरा ट्रेलर, तीसरा ट्रेलर, ऐसे करते करते 2 से 3 या 3 से 4 ट्रेलर लॉन्च किए जाते हैं और बाद में फिल्म लॉन्च की जाती है। यह सब हाइप बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन इस फिल्म ने इस हाइप को बनाने के चक्कर में सारी हदें पार कर दी। हुआ ये था हुआ यह है कि जब वो ट्रेलर लॉन्च हुआ ना, तो जब मैंने पर्सनली उस ट्रेलर को देखा, तो मतलब मेरे दिमाग में कहते हैं ना, एक नफ़रत सी आ गई। क्यों आ गई तो भी मैं बताना चाहता हूँ। देखिए जिस तरह आयरन जिस तरह हमारे आयरन मैन की जो रेपुटेशन बनाई गई, जिस तरह थैनोस की एक विलन के रूप में रेपुटेशन बनाई गई, और जिस तरह बाकी सारे किरदारों की रेपुटेशन बनाई गई थी, फिर भले वो छोटे से छोटा किरदार क्यों ना हो, बड़े से बड़ा किरदार क्यों ना हो, हालांकि जो मेन किरदार है पूरे मार्वल का, मेन चेहरा, वो था आयरन मैन टोनी स्टार्क, यानी कि सीधा सीधा उनका जो ओरिजिनल नाम है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर। उस ट्रेलर को देख के मुझे यह महसूस हुआ कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर की रेपुटेशन को दांव पे लगाया जा रहा है, इसीलिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाया। हुआ ये है कि जब आप वो ट्रेलर देखेंगे ना, तो उस ट्रेलर में आपको एंड गेम की झलक देखने मिलेगी। उस ट्रेलर को एक तरह से गरज के रूप में इस्तेमाल किया गया है कि जो 5 से 6 साल पहले एवेंजर्स की एंड गेम मूवी आई थी, उस मूवी में, मार्वल के एंड गेम में, जो जो सिलेक्टेड सीन्स थे, जैसे कि जो कैरोल थी, कैरोल मतलब जो कैप्टन मार्वल थी, उन्होंने थैनोस की शिप को किस तरह से ख़त्म कर दिया था, और आयरन मैन के कुछ सिलेक्टेड डायलॉग्स, और जो स्टीव रॉजर्स है मतलब कि कैप्टन अमेरिका, उनकी एक झलक दिखाई गई। यह सब जानबूझ के किया गया है। और आपको एक सीन याद होगा, जब एवेंजर्स एंड गेम में जब सारे मनी इकट्ठा कर लिए जाते हैं, और जब चुटकी बजाई जाती है, जब सारी की सारी दुनिया वापस आ जाती है, उसके बाद होता यह है कि सारी जो टीम जिस जगह खड़ी होती है, उस जगह थैनोस की शिप हमला कर देती है, और पूरा का पूरा जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बर्बाद हो चुका होता है, और वो जो हैंड होता है जिसमें मनी लगे हुए होते हैं, वो कहीं पे नीचे गिरा हुआ होता है, और पूरी उनकी जो सेना होती है थैनोस की, वह हमला कर चुकी होती है इनके ऊपर। तो उस सीन में जब उस जो मलबला होता है, उस जब जो कचरे का ढेर होता है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का, वहाँ से जब बाहर आता है, वहाँ से जब कैप्टन अमेरिका, थॉर और आयरन मैन जब बाहर आते हैं, तो उन्हें थॉर बैठा तो उन्हें ये जो हमारे थैनोस है वो बैठे हुए मिलते हैं, और वो तीनों उन पे हमला, थोड़ी सी बातें करके आपस में उन पे हमला कर देते हैं। तो यह सेम सीन की एग्जैक्ट कॉपी आपको उस ट्रेलर में देखने मिलेगी। आप थोड़ा सा उस ट्रेलर को ध्यान से देखिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि मार्वल वाले गरज दिखा रहे हैं उस सारे सीन्स को इस ट्रेलर में दिखा के, और उस सीन को लिटरली कॉपी करके, ताकि उस वक्त की ऑडियंस यह फिल्म देखने आए एक रिमेम्बरेंस के बलबूते, ताकि इनकी फिल्म थोड़ी बहुत हिट हो जाए और पैसे रिकवर हो जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से यह फिल्म बकवास बनी है। हालांकि मैं पर्सनली मार्वल का बिल्कुल भी फैन या अभी तो बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि जब से मैंने एवेंजर्स एंड गेम के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखी, थॉर लव एंड थंडर देखी, उसके बाद से मेरा मन मार्वल से तो मर चुका है, लेकिन फिर भी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 जो फिल्म मैंने देखी,
वह मैंने थिएटर में देखी। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी आईएमडीबी रेटिंग अच्छी लगी। उसकी आईएमडीबी रेटिंग अच्छी खासी है। जब भी मैं फ़िल्म देखने गया और जब मैं अपने पर्सनल ओपिनियन अगर उस फिल्म को लेके दूँ तो मुझे वो एक नंबर की बकवास फिल्म लगी। हालांकि अगर आप गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो कितनी शानदार फिल्म है, लेकिन वो वाइब्स मुझे वॉल्यूम 3 में बिल्कुल भी नहीं देखने मिली। वह फिल्म असल में बनाई क्यों गई थी? क्योंकि जस्ट उन्हें कुछ ना कुछ कंटिन्यू करना है और देखा जाए तो फिल्म में ऐसा कुछ है ही नहीं। जस्ट जो पुराने वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में जो कैरेक्टर्स थे वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के, तो उसके किरदारों को कुछ तरह शेप करके कहानी बना दी गई है। और रॉकेट की एक इमोशनल टच उसमें, जो रॉकेट नाम का जो ये किरदार है छोटा सा, उसका एक इमोशनल टच दे दिया गया है। उसका अचानक से कोई एक बैकग्राउंड ला लिया गया है ताकि ऑडियंस के इमोशनल एस्पेक्ट को जागरूक करके और उस इमोशंस को जोड़ा जाए। जस्ट एक रैंडमली कहानी बना दी गई है और उसकी फिल्म बना के प्रस्तुत कर दी गई है। ओटीटी के हिसाब से ठीक है, लेकिन बड़े पर्दे के हिसाब से यह फिल्म बहुत ज़्यादा मुझे घटिया लगी। और आईएमडीबी रेटिंग उसे इंडिविजुअल फिल्म के बेस पे मिली है। अगर सारी फ्रेंचाइजी को कंसिडर करके रेटिंग दी जाए तो मैं पर्सनली उस फिल्म को सिर्फ 2 स्टार की रेटिंग दूंगा, क्योंकि मुझे सच में वह बड़ी घटिया फिल्म लगी। क्योंकि उसके कॉमिक टाइमिंग्स भी बहुत ही रद्द थे। दर्पण करे शर मम्मी दर्पण करी थी 2 मिनट रुक जाइए, मेरी मम्मी आ गई है। मम्मी दर पेट बंद करे वरना दर पेट बंद करे मम्मी 2 मिनट रुक जाइए, मैं दरवाज़ा फिट बंद करके आता हूँ क्योंकि घर पे सब लोग सो रहे हैं। 2 मिनट ओके माफ़ कीजिएगा, मैं जनरली आज दिवाली की रात है, वैसे हैप्पी दिवाली आप सभी को। हुआ यह है कि आज दिवाली की रात है, फटाके फोड़े जा रहे थे, इसलिए आज वीडियो बनाने में काफ़ी देरी हो चुकी है। रात का 1 से 1.5 बज चुका है और मैं किचन में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और मेरी मम्मी और सोई हुई थी और उनको लगा कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, तो जस्ट वो देखने के लिए आ गए। तो यह सब टॉपिक्स हम साइड में रखते हैं, तो अभी हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। हम थे वॉल्यूम 3 में, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में। तो जिस तरह वॉल्यूम 3 को बनाया गया है, जस्ट ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मिलावटी करके एक कहानी बना दी गई है और उसको अच्छे खासे तरीके से प्रेजेंट कर दिया गया है, लेकिन कहीं पर भी कोई लॉजिक मैच नहीं होता है। एक नया अर्थ बना दिया गया, उसमें अजीब ही विलन डाल दिया गया, अलग ही कॉन्सेप्ट बनाए गए, रॉकेट का इमोशनल टच बना ज्वाइन कर दिया गया, अलग ही उसका बैकग्राउंड दिखाया गया। इसके अलावा कैरेक्टर्स का बिहेवियर थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया, वो सही लगा मुझे, लेकिन उस मायने में चेंज नहीं किया गया जिस मायने में किया जाना चाहिए था। जस्ट कुछ बनाने के हिसाब से उन्होंने बना दिया, फिल्म अच्छी है लेकिन ओटीटी के हिसाब से, बड़े पर्दे के हिसाब से फिल्म बहुत घटिया है। और कॉमिक टाइमिंग्स तो मुझे बहुत ही घटिया लगे उस फिल्म के, कोई सेंस ही नहीं बन रहा था कॉमिक टाइमिंग्स का। ऐसा लग रहा था ज़बरदस्ती कॉमिक दी जा रही है, क्योंकि मार्वल्स में प्रथा है, मार्वल्स की जितनी भी फिल्म है वह अपने आप में एक कॉमिक टाइमिंग के हिसाब से फेमस है और उनकी कॉमिक टाइमिंग शानदार होती है। अगर आप पूरे इन्फिनिटी या जो सागा इन्फिनिटी सागा है अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझेगा कि कॉमिक टाइमिंग्स लाजवाब है, लेकिन यह जो प्रथा है इसको प्रथा के कंटिन्यूएशन के नाम पे जस्ट जुगाड़ करने के हिसाब से मम्मी तो अपने दर पेटना बंद करे भैया, बाकी उतना पाए हमें गुड नाइट। मैं रिकॉर्डिंग तो गया वीडियो में जनवा के बधाई तुम सुबह दर फिट बंद करे ना अगड़े ना करे भैया तुम तो देखिए हुआ ये कि हम हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। मार्वल की कॉमिक टाइमिंग्स की हम बात कर रहे थे। देखिए मार्वल की जो फिल्में हैं यह अपने आप में अपनी कॉमिक टाइमिंग्स की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि ऐसी सिस्टम में कभी कोई दूसरी फिल्म में कॉमिक टाइमिंग्स अवेलेबल ही नहीं है। या तो फिल्में सीरियस होती है या तो फिल्में कॉमेडी होती है, लेकिन यह फिल्म अपने आप में एक शानदार भेलपुरी थी जिसे
चक के लोगों को मोह ही पड़ जाती थी, चखने से मेरा मतलब है फिल्म को देखने से। और आज भी अगर मार्वल के इन्फिनिटी सागा में से तीनों फेजेस में से कोई भी फिल्म शुरू हो जाती है, या भले ही वो एंटमैन हो, कि भले ही वो कैप्टन मार्वल हो, कि भले ही वो एवेंजर्स हो, भले कोई भी फिल्म हो, वह अपने आप में एक लाजवाब मास्टरपीस है। देखिए, मार्वल कोई ऐसी वैसी चीज़ तो है नहीं, मार्वल अपने आप में यह जो 12 साल का इनका पूरा चला, अपने आप में लोगों की यह पूरी ज़िंदगी है, यह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। अगर इसे डीप में समझा जाए तो एक तरह से आप पूरी ज़िंदगी को समझ सकते हैं, अगर आप मार्वल की इन पूरे इन्फिनिटी सागा को समझ पाए तो। हालांकि इसको समझना बहुत गहरी बात है, तो हमारा असल में ये टॉपिक नहीं था, हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना था कि आप लोगों को अवेयर किया जाए कि किस तरह मार्वल में घटिया लोग भर चुके हैं। देखिए, कंपनियाँ कभी छोटी नहीं होती, कंपनियाँ हमेशा एक जैसी होती है, लेकिन कंपनियों के पीछे जो लोग रहते हैं, जो कंपनी को चला रहे होते हैं, वह तय करते हैं कि कंपनी कितनी आगे बढ़ेगी और कितनी डूबेगी। मार्वल एक वक्त पे, बहुत वक्त पहले, एक डूबी हुई कंपनी थी जो सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। उस वक्त इन्होंने स्पाइडरमैन के राइट्स सोनी कंपनी को बेचे थे, और आज भी जब स्पाइडरमैन की मूवी लॉन्च की जाती है मार्वल के द्वारा, तो उसकी सारी कमाई सोनी प्राइवेट लिमिटेड को जाती है, जो सोनी कंपनी आपने देखी होगी उनको जाती है। अब आप सोचेंगे कि मार्वल आखिर क्यों स्पाइडरमैन की मूवीज़ को प्रोड्यूस करता है, तो असल में जो फिल्म की कमाई होती है वो तो सोनी को जाती है, लेकिन मार्वल के द्वारा जो एक्सेसरीज वगैरह होती है, टी शर्ट, कैप्स वगैरह, जैकेट, जो भी हो के स्पाइडरमैन से जुड़े, उनके बलबूते फिर मार्वल पैसे कमा लेता है। यह सिस्टम इस तरीके से ही काम करता है। लेकिन अगर सिर्फ फिल्मों की बात करें तो इस वीडियो को बनाने के पीछे एक और मकसद ये था कि केविन फीजी जो फिल्म के प्रोड्यूसर है, उनको यह मैसेज दिया जाए कि प्लीज़ रोक दो, बहुत बर्बाद कर चुके हो, अभी आपने आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका, यह जो दो मेन किरदार है फिल्मों के, मार्वल की जो इन्फिनिटी सागा के जो मेन दो किरदार है, उनको आपने इस ट्रेलर में दिखा के, और थैनोस जो सुपर विलन है उसको इस ट्रेलर में आपने दिखा दिया, और इन तीनों की अपने आप में अपनी जो रेपुटेशन बनी है उसको आपने काफ़ी हद तक गिरा के रख दिया है। मैं मार्वल का एक अपने आप में फ़ैन तो छोड़ो, मैं अपने आप को भक्त समझता हूँ मार्वल के इन्फिनिटी सागा का, क्योंकि मुझे पता है कि जो काम उसमें किया गया है स्टैनली के द्वारा, जो कंट्रीब्यूशन उनका दिया गया है वह अतुलनीय है, वह मतलब कोई तुलना की नहीं जा सकती उनके काम की, वह इतना ज़्यादा शानदार है। अब उनके आपने पहले ही मार्वल को, मैं यह सीधा सीधा कहना चाहता हूँ कि आपने पहले ही डॉक्टर स्ट्रेंज के किरदार को बुरी तरह बर्बाद करके रखा, थॉर के किरदार को बुरी तरह बर्बाद करके रखा, अभी आपने कैप्टन मार्वल के किरदार को बर्बाद कर दिया इस फिल्म को लॉन्च करके। इसके बाद दया करके कोई फिल्म लॉन्च ना करे, बंद कर दे अपनी कंपनी। और इस बार आपने हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर के फेस को यहाँ पे दिखा दिया कैप्टन सॉरी द मार्वल के ट्रेलर में, इसके बाद आपने थैनोस के फेस को दिखाया, एंड गेम के सीन्स को दिखाया, पूरी जो एंड गेम की जो लेगेसी थी उसे बर्बाद ना करें, चलने दो, आपको अगर अलग कुछ करना है तो करने दो ना, पर यह जो इन्फिनिटी सागा है इससे रिलेट मत करो, क्योंकि जो स्टैनली अपनी विरासत छोड़ के गए वह आप संभाल नहीं पाए हो। और देखा जाए तो वैसे मैं विरोध करना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन जो कि हमारे प्यारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर की बेइज्जती की गई है मेरे हिसाब से इस ट्रेलर में, इनका चेहरा दिखाकर और एंड गेम के सीन्स को दिखा के स्टैनली की बेइज्जती की जा रही है, और यह बेइज्जती मुझे पर्सनली सहन नहीं हुई। जो यह जो ट्रेलर लॉन्च किया गया करीबन एक हफ्ते पहले द मार्वल्स का, उस ट्रेलर में एंड गेम के सीन्स को दिखाया गया, रॉबर्ट डाउनी जूनियर मतलब आयरन मैन के फेस को दिखाया गया, कैप्टन अमेरिका के फेस को दिखाया गया, और पूरे एंड गेम के सीन्स को दिखाया गया, और जो मेन जो सीन था जिसमें थैनोस के साथ थॉर, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन लड़ना शुरू करते हैं, उस सीन की कॉपी की गई ट्रेलर में, मतलब देखा जाए तो फिल्म में ही, तो यह सब मुझे एक बड़ी बेइज्जती लगती है अच्छे अच्छे किरदारों की, और देखा जाए तो इसे मैं अपनी बेइज्जती समझता हूँ। तो देखा जाए तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि प्लीज़ यह फिल्म मत देखने चाहिए, क्योंकि यह फिल्म अपने आप में रेटिंग तो पहले ही इसकी बहुत कम है, और इस फिल्म के जो ट्रेलर था, अगर आप मार्वल के डाई हार्ट फैन हैं तो आप जस्ट वो ट्रेलर देख लीजिए, आपको समझ जाएगा कि
किस तरह उस ट्रेलर में गरज दिखाई गई है, ताकि लोग पुराने वक्त को याद करके, इन पुराने सुपर हीरोज़ को याद करके हमारी फिल्म देखने आए और हम पैसा कमा सकें। इतनी नीची सोच के साथ यह लोग काम कर रहे हैं और देखा जाए तो यह लोग कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। आगे आने वाली जितनी भी मार्वल की मूवीज़ हैं, मैं अब इस ट्रेलर को देखने के बाद, मैं इसके बाद मार्वल की कोई भी मूवी थिएटर में देखने तो कभी नहीं जाऊंगा, और OTT प्लेटफॉर्म पर तो बिल्कुल नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मार्वल के जो अभी वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, मार्वल या जो कंपनी है इसके पीछे अब जो लोग बैठे हैं, क्योंकि स्टैनली तो चले गए ना, अब जो इंसान बैठे हैं वहाँ पे ना ढंग के राइटर है, ना ढंग के एडिटर है, ना ढंग के डायलॉग मेकर्स है, और ना जो केविन फीजी है, उनको तो सिर्फ पैसा ही चाहिए, वो तो सिर्फ पैसे के लिए काम करना चाहते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उनके एक्शंस ले रहे हैं, वो फटोफट उन्होंने सब अनाउंसमेंट कर दिए कि एवेंजर्स की कैंग डायनेस्टी आने वाली है, और फिर और भी सारी फिल्मों की अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी। जिस तरह से उनका चाल चलन है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वह बड़े ही सेल्फिश किस्म के इंसान है। बीच में ऐसी खबर भी आई थी कि VFX डिपार्टमेंट ने कंप्लेन की है कि केविन फीजी बहुत सारा वर्कलोड उनके ऊपर डाल रहे हैं, और देखा जाए तो VFX में भी बहुत बड़ी कमी है। जब यह मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे VFX में बहुत बड़ी कमी देखने मिली। जितने शानदार VFX आयरन मैन में थे, 2012 की 2008 की फिल्म में जो VFX थे, वह भी ये जो द मार्वल्स अभी जो फिल्म आई है उससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। तो आप समझ सकते हैं कि इतने लेटेस्ट एज में आने के बाद भी VFX जैसी चीज़ में इन्होंने इतनी बड़ी कमी रखी, तो क्या ही इनकी फिल्म चलेगी। तो बस एक हम्बल रिक्वेस्ट थी कि फिल्म देखने ना जाए और हो सके उतना विरोध करें, क्योंकि विरोध यहाँ पे क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो हमारे एक फ़ैन के रूप में विरोध कर रहा हूँ मैं। देखिए, रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो किरदार उन्होंने निभाया है वह आउटस्टैंडिंग लेवल का किरदार है। थैनोस अपने आप में द ग्रेट विलन है, एंड गेम अपने आप में एक मास्टरपीस है स्टैनली के द्वारा, और कैप्टन अमेरिका भी का भी जो किरदार है वह कोई दूसरा नहीं निभा सकता है। तो इन चारों की अपने आप में बेइज्जती हो रही है, और इस बेइज्जती को मैं एज अ मार्वल का फ़ैन नहीं सहन कर सकता, इसलिए मैंने पर्सनली यह वीडियो बनाने का सोचा। और मेरा यह इनिशिएटिव आपको कैसा लगा, और आप क्या सोचते हैं इस या जो पूरे मार्वल के जो कारनामे किए जा रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और मेरा जो ओपिनियन है पर्सनली, इस ओपिनियन के बारे में आपका क्या ख्याल है, ज़रूर मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। और मार्वल के बारे में जो भविष्य है, उस मार्वल के भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं, और मार्वल को असल में करना क्या चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मेरे हिसाब से मार्वल को एंड गेम के बाद ही ख़त्म कर देना चाहिए था। ना डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर डूबता, ना थॉर का कैरेक्टर डूबता, और ना ही स्टैनली की इस तरह बदनामी होती, और ना ही आज जैसे हर एक कैरेक्टर को पकड़ रहे हैं, यहाँ तक कि थैनोस को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। थैनोस का भी उन्होंने डायलॉग इस्तेमाल किया, उनका फेस दिखा दिया अभी जो मार्वल द मार्वल्स के ट्रेलर में। तो एक विनती है, नम्र विनती है केविन फीजी जी से और सभी मार्वल्स के जो राइटर्स से जो आप बैठे हुए हैं अमेरिका में जो लिख रहे हैं मार्वल में काम करने के नाम पे, आगे जाके प्लीज़ रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कैमियो मत लाइए। वह अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। हाल ही में ओपनहाइमर उनकी फिल्म आई थी, एक शानदार फिल्म चली, सुपर डुपर अल्टीमेट हिट फिल्म में उन्होंने काम किया। जिस तरह वह आगे बढ़े, उस तरह आप भी आगे बढ़े, ना कि पुरानी चीज़ों को पकड़ के दोहराते रहे अपना पेट भरने के लिए, अपना रोज़गार चलाने के लिए। तो बस यही विनती थी, और अगर शॉर्ट में कहूँ तो मार्वल वालों को मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि यार थोड़ा तरीके से काम करो, एक अच्छी रेपुटेशन बनाओ। नहीं कर सकते हो तो यह जो विरासत है इसे कम से कम विरासत के रूप में तो बने रहने दो, इस विरासत को लुटवा क्यों दे रहे हो। सो बस यही हमारा वीडियो था, आपको कैसा लगा अभी तक। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप शानदार हैं, लाजवाब है, बेमिसाल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।